हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ़ जॉइन एम एन एस अकेडमी टुडे वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ़ फिजिक्स विच इज़ सेमी कंडक्टर्स सो वी विल बी डूइंग सम एम सी क्यू क्वेश्चन तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उन्हें ट्राई कर लेना उसके बाद ही सोल्यूशंस को देखना तो अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है एट एब्सिल्यूट ज़ीरो एस आई एक्ट्स एज ऑप्शन ए नॉन मेटल ऑप्शन बी मेटल ऑप्शन सी इंसुलेटर और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज तो आई थिंक आपने इसे ट्राई कर लिया होगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंसुलेटर तो क्या गिवेन है एप्सिल्यूट ज़ीरो मतलब कि टेम्परेचर ज़ीरो डिग्री है जीरो डिग्री इन सेल्सियस स्केल है ना ऐसा ही यानी कि सिलिकॉन है ना जो कि एक सेमीकंडक्टर है तो हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो हीट और दूसरी टाइप की एनर्जीज़ लेके एनर्जी बैंड का गैप को ओवरकम करते हैं जैसे यहाँ कंडक्शन बैंड होता है यहाँ पे वैलेंस बैंड होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं उनको यहाँ तक जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है इतना एनर्जी गैप उनको क्रॉस करना होता है इतना तो इसके लिए वो हीट का यूज़ करते हैं लेकिन अब चूँकि टेम्परेचर ज़ीरो है और हीट नहीं मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड में ही रह जाते हैं तो इसके वजह से सिलिकॉन इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अ एन टाइप सेमीकंडक्टर, Which of the following statements is true? Option A Holes are minority carrier and pentavalent atoms are dopant. Holes are majority carrier and trivalent atoms are dopant. Electrons are majority carrier and trivalent atoms are dopant. Electrons are minority carrier. एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट तो आपने इस क्वेश्चन को अभी ट्राई कर लिया होगा तो अब हम देखते हैं स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट सो ये एक बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि आप देखो एन टाइप सेमी कंडक्टर कि वे न तो हम जानते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर क्या होता है जिसमें पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की गई हो और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर बन जाते हैं और ऑटोमेटिकली होल्स माइनॉरिटी कैरियर बन जाते हैं ओके सो आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोटेंशियल बैरियर ऑफ अ पी एन जंक्शन डिपेंड्स ऑन स्टेटमेंट वन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर मटीरियल स्टेटमेंट टू अमाउंट ऑफ डोपिंग स्टेटमेंट थ्री टेम्परेचर और हमारे ऑप्शनस हैं ऑप्शन ए वन एंड टू ओनली ऑप्शन बी टू ओनली ऑप्शन सी टू एंड थ्री ओनली ऑप्शन डी वन टू एंड थ्री तो आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा तो अब हम इसको देखते हैं तो हमें क्या पूछा है पी जंक्शन के बारे में और पूछा गया है उसका पोटेंशियल बैरियर किस चीज़ों पे डिपेंड करता है तो हम ये जानते हैं कि कोई भी सेमीकंडक्टर हो तो वो किस चीज़ से बना है यानी कि मटेरियल क्या है उस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं जैसे कि अगर वो सिलिकॉन का बना होगा तो सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ होंगी अगर वो जर्मेनियम का बना होगा तो उसमें जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज़ होंगी इसलिए टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर तो डिपेंड करता है उसके बाद अमाउंट ऑफ डोपिंग पे भी डिपेंड करता है जैसे मान लो आपने वन मोल फॉस्फोरस डाला तो उसकी कंडक्टिविटी होगी टू मोल फॉस्फोरस डालोगे तो उसकी और ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी इसी तरीके से टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है।, है ना ये हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्शन बैंड में जाना चाहते हैं बैलेंस बैंड से तो वो टेम्परेचर की एनर्जी लेके मूव कर जाते हैं और दैट्स वाय टेम्परेचर प्लेज अ की रोल दैट्स वाई ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटी मनी इज एडेड टू जर्मीनियम क्रिस्टल ऑप्शन ए इट बिकम्स अ पी टाइप सेमी कंडक्टर ऑप्शन बी द एंटी मनी बिकम्स द एक्सेप्टर एटम ऑप्शन सी देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैन होल इन द सेमी कंडक्टर ऑप्शन डी इट्स रेसिस्टेंस इज़ इंक्रीज सो आई थिंक आपने मार्क् कर लिया होगा तो एंटी मनी क्या है एंटी मनी एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है है ना ये फॉस्फोरस और उसके ग्रुप में आता है तो एंटीमनी क्या करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देगा एन टाइप सेमी फॉर्म होगा तो एन टाइप सेमी के फॉर्म होने से क्या होता है देयर वुड बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन नंबर ऑफ होल्स दैट्स वाई ऑप्शन सी इज करेक्ट सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑप्शन ए प्योर एस आई डोप्ड विद ट्राइवेलेंट एंड इम्प्योरिटी गिव्स अ पी टाइप सेमी कंडक्टर ऑप्शन बी मेजोरिटी कैरियर्स इन अ एन टाइप सेमी कंडक्टर आर होल्स ऑप्शन सी माइनॉरिटी कैरियर्स इन अ पी टाइप सेमी कंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन ऑप्शन डी द रेसिस्टेंस ऑफ इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर decreases with increasing temperature तो आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा तो हमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है यानी कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है तो पहला स्टेटमेंट को हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट है कि प्योर ऐसा यानी सिलिकॉन को ट्राइवल एंड इम्प्योरिटी में से डोप किया है तो पी टाइप सेमी कंडक्टर फॉर्म हुआ तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है मेजॉरिटी कैरियर इन एन टाइप सेमी कंडक्टर आर होल्स तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है है ना क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर इन एन टाइप सेमी कंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं तो आंसर तो ये स्टेटमेंट हो गया आगे के स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप सेमी कंडक्टर आर इलेक्ट्रॉन्स तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और अगली स्टेटमेंट द रेजिस्टेंस ऑफ इंटेंसिक सेमी कंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर भी बिल्कुल सही है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमी कंडक्टर का तो कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाते हैं ओके सो लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फॉरवर्ड बाय सिंग ऑफ पी एन जंक्शन ऑप्शन ए the positive terminal of battery is connected to p side and the depletion region becomes thick option b the positive terminal of the battery is connected to n side and depletion region become thin option c the positive terminal of battery is connected to n side and depletion region become thick ऑप्शन डी द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ़ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड दिलीशन रीजन बिकम्स थिन तो आप लोगों ने इसे ट्राई कर लिया होगा आप ऑप्शंस को रीड करिए आपको इसके बारे में काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है ओके तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें दिया हुआ है फॉरवर्ड बायसिंग है ना तो फॉरवर्ड बायसिंग में सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए फॉरवर्ड बायसिंग के बारे में आपको याद होना चाहिए कि पी टर्मिनल को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं और एन टर्मिनल को नेगेटिव के साथ ओके okay. तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज़ कनेक्टेड टू पी साइड तो यहाँ तक तो ठीक है कि पी साइड से पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया गया है लेकिन डिप्लीशन रीजन इसमें थिक नहीं होता है डिप्लीशन रीजन थिन होता है ओके सो द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ आव बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड द डिप्लीशन रीजन बिकम्स द थिन इज द करेक्ट आंसर तो पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि एक चेंज भी पूरा स्टेटमेंट चेंज हो जाता है एक वर्ड के चेंज से ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग तो अब इस क्वेश्चन में भी हमें फॉल्स स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इन कंडक्टर्स द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप्स स्टेटमेंट बी सब्सटेंसेस विद एनर्जी गैप ऑफ द ऑर्डर टेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आर इंस्यूलेटर्स ऑप्शन सी द resistivity ऑफ सेमी कंडक्टर with विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑप्शन डी द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तो आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा अब इन क्वेश्चन को देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि इन कंडक्टर द वैलेंस इन कंडक्शन बैंड ओवरलैप तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है है ना कि कंडक्टर्स में दोनों ओवरलैप करते हैं इसलिए उनका कंडक्शन काफ़ी हाई हो जाता है और ये भी हम जानते हैं कि इंसुलेटर में बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है जिसके लिए हम ये लिख देते हैं कि दे आर ऑफ ऑर्डर टेन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके अगला स्टेटमेंट क्या है कि रेसिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेज इंक्रीजिंग टेम्परेचर तो ये स्टेटमेंट गलत है है ना क्योंकि सेमी का हम ये पहले से भी देख रहे हैं कि सेमी में जब टेम्परेचर राइज़ करता है तो उसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले को यूज़ करते हैं और एनर्जी को यूज़ करके वो एनर, उस एनर्जी के थ्रू वो कंडक्शन बैंड तक जा पाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का और लास्ट स्टेटमेंट भी यही लिखी गई है कि द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर सो लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन द डिवाइस दैट द कम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज ऑप्शन ए जंक्शन डायोड ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट ऑप्शन सी जंक्शन ट्रांसिस्टर और ऑप्शन डी जेना डायोड तो आई थिंक आपने इसको मार्क कर लिया होगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है ना इसको देखो आप ये वाला इंटीग्रेटेड सर्किट ऐसा होता है ठीक है ये आपने उसमें जितने भी कंप्यूटर्स और वो सब होते हैं ना उसमें ऐसा सिस्टम लगा दिया जाता है और ये क्या करता है ऐसा चिप्स को हम यूज़ करते हैं ये सेमी का बना हुआ होता है और ये सारे काम कर देता है जो अलग अलग सिस्टम में हमें लगा के करने पड़ते उसका सारा ये काम कर देता है ओके ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी एंड एस आई बोथ हैव सेम लेटाइज स्ट्रक्चर्स हैविंग फोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हाउ एवर सी इज़ इंस्यूलेटर वेयर एज एस आई इज़ इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर दिस इज़ बिकॉज option a in case of c the valence band is not completely filled at absolute zero temperature option b in case of c the conduction band is partially filled even at absolute zero temperature the four bonding electrons in case of c lies in second orbit whereas in si they lie in third और ऑप्शन डी द फोर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द केस ऑफ सी लाइज इन द थर्ड ऑर्बिट वेयर एज फॉर एस आई दे लाइज इन इन द फोर्थ ऑर्बिट तो आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा और इसका आंसर भी मेरे को पता है आप निकाल चुके होंगे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्यों क्योंकि आप देख रहे हो कि दोनों में ही वैलेंस चार इलेक्ट्रॉन्स की होती है दोनों के पास चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन और सिलिकॉन दोनों के पास ही है ना लेकिन इनमें फर्क क्या होता है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड शेल में होते हैं या सेकेंड ऑर्बिट में होते हैं जबकि सिलिकॉन के थर्ड ऑर्बिट में होते हैं इसके वजह से क्या होगा कि कार्बन अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकता और ना ही ले सकता है इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म कर लेता है और सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट नहीं कर पाता है ओके okay? सभी मेट्र सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज सेमीकंडक्टर के लिए फेवरेबल है और कार्बन की प्रॉपर्टीज नहीं है सो लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन अनबायस्ड पी एन जंक्शन होल्ड डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज ऑफ option a the attraction of free electrons of n region option b the higher hole concentration in p region than n region option c the higher concentration of electron in the n region than in the p region option d the potential difference across the pn junction सो आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा अब हम इसको देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तो होल्स डिफ्यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि होल्स का कंसेंट्रेशन पी रीजन में ज़्यादा होता है एन रीजन से ये डिफ्यूजन का भी बेसिकली सिंपल सा ही प्रोसेस है कि जहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से उस साइड पे डिफ्यूज़ हो जाते हैं जहाँ पे कंसेंट्रेशन कम है बहुत सिंपल सा प्रोसेस है और इसलिए इसका आंसर आप सभी को समझ आ गया होगा सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन सेमी कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर ऑप्शन ए द वैलेंस बैंड इज प्राइम पारशियली एम्पी एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड ऑप्शन बी द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड ऑप्शन सी द वैलेंस बैंड इज़ कम्प्लीटली फिल्ड और ऑप्शन डी द कंडक्शन बैंड इज कम्प्लीटली एम टी सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा तो अब हम देखते हैं हमें क्या गिवन है कि सेमी कंडक्टर को हमने रूम टेम्परेचर पर रखा है तो रूम टेम्परेचर पर क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो ये एनर्जी गैप जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप जिसे बोलते हैं और नीचे वैलेंस बैंड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं और ऊपर कंडक्शन बैंड है तो हमें कंडक्शन बैंड तक पहुँचना है तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी या एनर्जी को लेके ऊपर तक पहुँच गए होंगे तो इससे क्या होगा कि वैलेंस बैंड इज़ पार्शियली एम है ना ये वैलेंस बैंड है यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये अब पार्शियली एम हो गया है और साथ ही साथ कंडक्शन बैंड भी पार्शियली फील्ड है, है ना क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर्स बायस अप्लाइड टू अ जंक्शन डायोड ऑप्शन ए लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर ऑप्शन बी रेजेज द पोटेंशियल बैरियर ऑप्शन सी इंक्रीजेज द मेजोरिटी कैरियर करेंट और ऑप्शन डी इंक्रीजेज द माइनॉरिटी कैरियर करेंट सो आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा इसका आंसर है ऑप्शन बी इट रेजिज द पोटेंशियल बैरियर रिवर्स बायस में क्या होता है कि जैसे पीएन जंक्शन है आपका तो इधर साइड पी है इस साइड एन है बीच में डिप्लीशन रीजन है तो पी के साथ आपका कौन सा टर्मिनल आपका नेगेटिव टर्मिनल अटैच हो जाएगा और एन के साथ पॉजिटिव ओके तो इसके वजह से क्या होगा कि एन और पॉजिटिव के बीच में क्योंकि एन नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो इधर पे चलेगा और ये पी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इधर पे चलेगा तो बीच का रीजन एक्सपैंड कर जाएगा ये डिप्लीशन ओके, और डिप्लीशन रीजन एक्सपैंड करेगा तो इनके बीच का जो पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा ओके सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन अ पी एन जंक्शन डायोड कैन बी यूज एज ऑप्शन ए कंडेंसर ऑप्शन बी रेगुलेटर, ऑप्शन सी एम्पलीफायर और ऑप्शन डी रेक्टिफायर तो आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया तो इसका करेक्ट आंसर है रेक्टिफायर तो हम एक पी जंक्शन डायोड को रेक्टिफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं तो रेक्टिफायर क्या होता है तो डेफिनेशन के हिसाब से रेक्टिफायर की डेफिनेशन हम ये बोल देते हैं कि इट इज़ अ सर्किट विच परफॉर्म द टास्क ऑफ रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन क्या होता है एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करते हैं तो उसमें हम पी एन जंक्शन डायोड का सर्किट बना लेते हैं और उस सर्किट से ए सी टू डी सी बना सकते हैं इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ हमारे मोबाइल चार्जर्स में होता है ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ पी टाइप सेमी कंडक्टर द मेजॉरिटी कैरियर ऑफ करेंट्स आर ऑप्शन ए प्रोटॉन ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन ऑप्शन सी होल्स और ऑप्शन डी न्यूट्रॉन्स सो आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा तो हमसे पूछा है पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है होल्स मेजॉरिटी कैरियर हो जाते हैं है ना क्योंकि ट्राईविलेन टम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं उस और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है तो इसके वजह से होल्स मेजॉरिटी कैरियर बन जाते हैं so let's move to the next question in forward bias the width of potential barrier in a p-n junction diode option a remains constant option b decreases option c increases or option d first a then b which means first remain constant then decreases आप सभी इस क्वेश्चन को ट्राई करो आपने से भी नहीं इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा अब हम देखते हैं फॉरवर्ड बायस में क्या होता है वापस से हम उसी को देखते हैं कि जैसे ये पी एन जंक्शन है अगर एक इस साइड इसका पी टर्मिनल है इस साइड इसका एन है और ये बीच में इसकी डिप्लीशन लेयर है तो पी के साथ हमने कौन सा टर्मिनल जोड़ते फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव और एन के साथ नेगेटिव ओके okay? तो ऐसे हमारा सर्किट रह जाएगा यह हमारा सर्किट ऐसे रहेगा तो अब क्या होगा क्योंकि पी है तो वो पॉजिटिव पे ही चार्ज और मार रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा ये इस साइड मूव करने की कोशिश करेगा और ये नेगेटिव पे ही नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे तो ये नेगेटिव को और फोर्स करेगा इस तरफ ही जाने के लिए क्योंकि वो इसको अपने तरफ तो अट्रैक्ट नहीं करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों तरफ से फ़ोर्स आने की वजह से डिप्लीशन रीजन का जो विथ है ये डिप्लीशन रीजन या पोटेंशियल बैरियर जो है ये तो इसका विथ डिक्रीज होगा सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डिप्लिशन लेयर कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए मोबाइल आयंस ऑप्शन बी प्रोटॉन्स ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स और ऑप्शन डी इम मोबाइल आयन्स सो आप सभी ने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा तो इसका करेक्ट आंसर है इम मोबाइल आयन्स डिप्लीशन रीजन क्या होता है जबी भी हम कैसे हम पी एन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को ले लेते हैं और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को ले लेते हैं और दोनों को साइड बाई साइड हम ज्वाइन कर देते हैं उनको साइड बाय साइड जब ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच में ना एक रीजन ऐसे डिप्लीशन रीजन बन जाता है और ऐसा क्यों बनता है क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के हैं एन साइड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है और पी साइड में होल्स ज़्यादा है है ना इस साइड में होल्स हैं और इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स है ओके okay, तो यही जब कंबाइन करते हैं ना तो ये, के जो होल्स होते हैं उन कुछ होल्स में इलेक्ट्रॉन्स आके फिक्स हो जाते हैं और ये इमोबाइल हो जाते हैं फिर ये मोबिलिटी में नहीं रह सकते और यहाँ पे इसी वजह से कोई इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं हो पाती है दैट्स वाई और ये यहाँ पे आंसर तो क्लियर हो गया कि इमोबाइल आयंस है और इसी की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है और इस साइड पॉजिटिव चार्ज है और यही क्योंकि अब आप इलेक्ट्रॉन को इस तरफ भेजना चाहते हो तो आपको एक पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके भेजना पड़ेगा ओके okay, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है आप सभी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो क्योंकि इस चैप्टर में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये पी एन जंक्शन फॉर्मेशन और फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस आप इन्हीं को अच्छे से कर लोगे तो आप समझ सकते हो कि ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट रहेगा इन्हीं फिर आपके लिए ओके okay?

मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके होल्स कहीं पे भी जब बनते हैं ना तो होल्स इलेक्ट्रॉन्स के मिस होने पे ही बनते हैं ओके okay, होल्स जो रहते हैं जैसे आप अगर कोई भी जैसे कि आप ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो होल्स बढ़ जाएंगे है ना उस एटम में होल्स बढ़ जाएंगे क्यों क्योंकि अब एटम जो है मान लो ये आपका कंबाइनिंग एटम दूसरा आपने इम्प्योरिटी ऐड की है वो है तो इसके पास तीन ही इलेक्ट्रॉन्स है और आप सिलिकॉन लेके आ रहे थे उसके पास चार इलेक्ट्रॉन्स रह रहे थे तो वो चार से बॉन्ड कर सकता था अब ये एक पोजीशन तो ले ले रहा है लेकिन एक जो यहाँ पे इसके इस तरफ सिलिकॉन हो रहेगा तो उससे बॉन्ड नहीं कर पाएगा तो इसके पास यहाँ पर एक होल बन जाएगा है ना यानी कि इलेक्ट्रॉन वैकेंसी और ऐसा क्यों है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं आ सका है ओके तो होल ऐसे फॉर्म होता है और दैट्स वाई Holes are formed due to missing of electron. So let's move to the next question. Next question is Which of the following, when added as an impurity into silicon, produces n type semiconductor? Option A, B, Option B, AL, Option C, P, or Option D, MG. तो आई होप आपने इसे ट्राई कर लिया होगा इस क्वेश्चन को तो ऑप्शन क्या क्या गिवेन है बोरॉन एल्यूमिनियम फॉस्फोरस और मैग्नीशियम सो so, अगर आपने अभी तक मार्क नहीं किया है तो जल्दी से कर लो सो so, सिलिकॉन हमें पूछा है यहाँ पे एन टाइप सेमी कंडक्टर बनाना है कौन सी इम्प्योरिटी ऐड होगी तो फॉस्फोरस ऐड करते हैं फॉस्फोरस क्यों ऐड करते हैं क्योंकि फॉस्फोरस पेंटावेलेंट है पेंटावेलेंट मतलब इसके पास पाँच इलेक्ट्रॉन्स है तो इससे क्या होगा कि ये चार सिलिकॉन से तो बॉन्ड बनाएगी का ही और इसका एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए चला जाएगा कंडक्शन बैंड में और वो कंडक्ट करेगा है ना और इसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इसे एन टाइप सेमी कंडक्टर भी कहा जाता है ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द डिप्लीशन लेयर इन पी एन जंक्शन रीजन इज कॉज बाय ऑप्शन ए ड्रिफ्ट ऑफ होल्स ऑप्शन बी डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स ऑप्शन सी माइग्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी आयन्स और ऑप्शन डी ड्रिफ्ट ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो यही हमने इसी वीडियो में ही थोड़े पहले भी देखा कि डिप्लीशन रीजन में क्या होता है चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज़ कर जाते हैं जैसे कि पी साइड से आए हुए होल्स और एन साइड से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में डिफ्यूज़ कर जाते हैं और फिक्स हो जाते हैं और इस वजह से वो इमोबाइल आयन बन जाते हैं और इन्हीं को होल इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहा जाता है और इसी के वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं बन पाती है ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन when n type semiconductor is heated option a number of electrons increases while that of holes decreases option b number of holes increases while that of electrons decreases option c number of electron and hole remains same or option d number of electron and holes increases equally तो so, आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया और मार्क कर लिया होगा ऑप्शन जो आपको लग रहा होगा तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल इंक्रीज इक्वली ऐसा क्यों होगा क्योंकि अब आपने हीट प्रोवाइड किए तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हीट को यूज़ करेंगे और फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है इसको क्रॉस कर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँच जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पीछे यानी कि कंडक्शन बैंड में ये इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंच गए लेकिन वैलेंस बैंड जो नीचे वाला है उसमें ये एक होल छोड़ जाएंगे ओके okay? तो जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जाएंगे उतने ही होल्स भी यहाँ पे पीछे रह जाएंगे दैट्स वाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल इंक्रीज इक्वली सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बहुत अच्छे क्वेश्चनस भी प्रैक्टिस किए और चैप्टर से जो मेजर टॉपिक्स कवर होते हैं एग्ज़ाम में वो सारे क्वेश्चंस का oh. कोशिश किया सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच